शोभन वाली जमीन पर ही बनेगा दरभंगा एम्स। नई डिजाइन पर लगी मोहर, केंद्र सरकार ने जताई सहमति, लोगों में दिखी खुशी की लहर। बिहार का दूसरा एम्स जल्द ही मिल सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने अपनी सहमति जताते हुए शोभन बाईपास वाली जमीन पर एम्स की नई डिजाइन पर मोहर लगा दी है। जहां मोहर लगने के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार की शर्तों पर दरभंगा एम्स को 4 लेन कनेक्टिविटी, जमीन समतल कर बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करना शामिल था। केंद्र से अनुरोध किया गया था कि दरभंगा में ऐसी डिजाइन का एम्स बने जो स्थानीय जरूरतों को पूरा करे, जिसे राज्य सरकार ने पूरा कर लिया। शुक्रवार को राज्य सरकार के द्वारा जानकारी दी गई, जिस पर अब दरभंगा में जो है खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं जदयू प्रवक्ता सह बेनीपुर विधानसभा के विधायक विनय चौधरी ने दरभंगा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहां के लोग एम्स चाह रहे थे और सहमति समय पर मिल जाती तो आज शिलान्यास समारोह में सभी लोग भाग लेते। बहरहाल सहमति स्वीकृति उन्होंने दे दी है, जल्द ही जो है कार्य प्रारंभ कर देंगे हम लोग मिलके। हाल ही में मुख्यमंत्री ने दरभंगा DMCH में 2100 बेड का शिलान्यास किए हैं, मरीजों के लिए जो सुविधा होगा। वहीं दरभंगा वासी के लिए यह खुशी की बात है, एक तरफ 2100 बेड का DMCH में और दूसरी तरफ एम्स भी मिल गया है, जिससे हम लोगों को काफ़ी खुशी है। हम लोग तो बहुत दिन से ये चाह रहे थे कि उसकी सहमति मिल जाए। 11-12 महीना उसमें देने में जो समय लग गया है, नहीं तो अभी हमको तो लगता है कि अभी तक उसका शिलान्यास समारोह में हम लोग भाग लेते हैं। बहरहाल सहमति उन्होंने दे दिया, स्वीकृति दे दी है, बहुत जल्द उसमें मिट्टी का कार्य प्रारंभ कर देंगे। अभी हाल में हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे दरभंगा DMCH के लिए, 2100 बेड का शिलान्यास उन्होंने किया। ये दरभंगा वासी के लिए तो सुख का दिन है कि एक तरफ 2100 दरभंगा DMCH को भी मिल गया बेड और एम्स भी दूसरा हमको मिल गया। ये तो दरभंगा वासी को दो दो सुविधा मिल गई, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये अच्छा हुआ है कि अब मिल गया है। हम लोग जल्द ही, हम लोग तो कहते ही थे कि हम लोग को जल्दी से स्वीकृति दे दीजिए। हम लोगों ने तो टेंडर प्रक्रिया भी प्रारंभ कर रखा है। अब ये स्वीकृति मिल गई है, सब कुछ डिजाइन वगैरह की सहमति मिल गई है। हम लोग टेंडर को अंतिम रूप का दे करके जल्द से जल्द उस पर काम प्रारंभ कर देंगे ताकि एम्स का निर्माण वहां पर जल्द हो जाए। वहीं शनिवार को स्थानीय लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। वहीं राकेश कुमार झा ने बताया कि हम लोगों को अब दिल्ली और पटना का रास्ता नहीं देखना पड़ेगा। दरभंगा में एम्स बन जाने से दरभंगा के साथ साथ आसपास के जिले और पड़ोसी देश नेपाल को भी इसका लाभ मिलेगा। देखिए सर, दरभंगा एम्स के बारे में हम लोग जो है सो बहुत दिनों से सुन रहे थे, इसमें बहुत सारी राजनीति भी हुई, लेकिन अब जो है सो केंद्र सरकार की ओर से जो है सो राज्य सरकार का डिजाइन जो है उसको प्रस्तावित पास कर दिया गया है, तो इससे ज़्यादा खुशी हम लोगों के लिए और क्या हो सकता है। जो हम लोग पहले एम्स के लिए पटना जाते थे, पटना से भी नहीं होता था तो दिल्ली के लिए दौड़ते थे, अब नज़दीक में घर में एम्स बनेगा तो इलाज में सहूलियत होगी और इससे सिर्फ दरभंगा के लोगों को ही नहीं बल्कि यहाँ के आसपास के 4-5 जिले के लोगों को लाभ मिलेगा और हम लोगों के सटे नेपाल है, वहाँ के लोग भी यहाँ पे आके लाभान्वित होंगे। ये पूरे शहर के लिए खुशी की बात है। बता दें कि वर्ष 2015 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिहार में दूसरा एम्स बनाने की घोषणा की थी। 5 साल बाद 2020 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय कैबिनेट से दरभंगा में एम्स बनाने की मंजूरी दे दी गई। राज्य सरकार ने जमीन चिन्हित करने का काम शुरू किया। पहले DMCH अस्पताल परिसर में एम्स बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने पास किया, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने पाया कि एक ही परिसर में दो दो अस्पताल बनाने से यह साधारण अस्पताल बनकर रह जाएगा, जिसके बाद राज्य सरकार ने शोभन बाईपास में बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण का नया प्रस्ताव 7 दिसंबर 2023 को केंद्र को दिया था। प्रस्ताव में केंद्र सरकार की आवश्यक शर्तों को राज्य सरकार ने मान ली थी, जिसके बाद केंद्र सरकार राज्य सरकार से सहमत हो गई है।